गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर ये मैं हटा दूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जय हिंद। आज जैसे कि हमारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि आज कारगिल दिवस है, तो कारगिल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये वो दिन था जब हमारे अंदर युद्ध के दौरान देशभक्ति की भावनाएं ओत प्रोत हो रही थी, हमारा मन भी कर रहा था हम भी युद्ध के लिए जाएं। तो आप देख रहे होंगे उस समय आर्मी की गाड़ी जा रही थी लगातार। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो आज का टॉपिक हमारा फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। जो तंतु होते हैं, जो रेशे होते हैं, रेशों से वस्त्र तक आज हम जाएंगे। ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा आपका, और इसका ही जो एडवांस वर्जन होगा वो आप पढ़ेंगे 12th क्लास में केमिस्ट्री में, पॉलीमर्स बहुलक। और आप देखते हैं ये बायोलॉजी से भी लिंक होगा और केमिस्ट्री से भी लिंक होगा। इसमें काफी चीजें ऐसी होंगी जो बायोलॉजी से रिलेटेड होंगी, काफी चीजें ऐसी होंगी जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगी, मतलब ये बेसिक है। तो ये चैप्टर ऐसा होता है जो आप केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं आपका, और बायोलॉजी भी इसका बेसिक होता है। तो पहले मैं इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। एक बार आप देखेंगे जो मैं कह रहा हूँ, आपको सुनेंगे पहले, फिर आप देखेंगे जो मैं बता रहा हूँ। आपने देखा होगा जब कोई गांव का व्यक्ति कपड़े खरीदने जाता है, तो जब वो कपड़ा दुकान पे जाता है तो वो कहता है भाई कपड़े दिखाओ, होता नहीं होता है भाई कपड़े दिखाओ। और जब कोई शहर का व्यक्ति जाता है तो कहता है वो फैब्रिक दिखाना। तो हिंदी भाषा में बोलते हैं हम कपड़ा वस्त्र, जो शुद्ध भाषा में बोलते हैं वस्त्र, और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं आपका फैब्रिक, क्या बोल देते हैं आपका फैब्रिक। कभी कभी आपने देखा होगा जो आपके कपड़े होते हैं, कपड़ों से क्या होगा कभी कभी धागे निकल रहे होते हैं, देखा होगा आपने, कोई कोई धागा निकल जाता है तो उसको होते हैं तागा, क्या होते हैं तागा, इंग्लिश में होते हैं यार्न। और उस तागे को जब आप और प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से रेशे निकलते हैं, वो होता है फाइबर। अब हम उल्टा करेंगे यहाँ पर, हम क्या देखेंगे आपका, पहले फाइबर देखेंगे, फिर उसको यार्न तागा बनाएंगे, और फिर क्या बनाएंगे फैब्रिक। यार्न से जो क्या बनेगा आपका फैब्रिक बनेगा, कपड़े बनेंगे, वो दो प्रोसेस द्वारा बनाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब तो काफी प्रोसेस है, एक इसमें नीटिंग मतलब बनाया गया आपका, नीटिंग बुनाई जो मम्मी वगैरह करती है, दादी करती है बुनाई, ठीक है। और एक है आपका वेविंग, वेविंग भी बुनाई है आपका या बंधाई, उसमें एक से ज्यादा यार्न होते हैं और इसमें नीटिंग में एक यार्न होता है। आपने देखा भी होगा जब मोजे वगैरह से या कोई स्वेटर वगैरह आपको उधड़ जाता है, उसका एक तागा क्या होगा बाहर निकल रहा होता है, जब उसको आप निकालते हैं तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, उधड़ जाता है। तो ये सब देखेंगे। तो पहले आप स्क्रीन पे देखेंगे, आप बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। आप जब एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। देखो अब आप कहां जाते हैं आपका वस्त्र उद्योग, वस्त्रों की दुकान पे जाते हैं, उद्योग में क्या जाएंगे आप, तो आप देखिए वहां पर बहुत सारे वस्त्र हैं, जैसे कि इसमें एनसीईआरटी में देखा गया है, कुछ कॉटन के होते हैं, कुछ सिल्क के होते हैं, कुछ नायलॉन के होते हैं। तो ये वस्त्र आप देख रहे हैं आपका कलरफुल नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि जीवन आजकल हमारा ब्लैक एंड व्हाइट ही चल रहा है, ठीक है। ठीक है, इसके आगे आप देखो जब आप किसी वस्त्र को देखते हैं, किसी फैब्रिक को देखते हैं एनलार्ज करके आपका, तो आपको कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है जब उसको एनलार्ज करके देखते हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं, ठीक। अब आगे अब देखो जब आप किसी वस्त्र के यार्न मिस तागे को निकालते हैं, ठीक है, कुछ थ्रेड निकालते हैं आपका, थ्रेड पुलिंग करते हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। अब क्या होगा आपका जो स्ट्रैंड होते हैं, जो धागे होते हैं, जब आप उनको एक दूसरे के ऊपर रैप करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, तागा बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका तागा। कॉटन का इस्तेमाल करेंगे भी हम, ठीक है। आप देखेंगे कॉटन से कैसे तागा बनाया जाता है, ठीक है। चरखा आपने सुना होगा, एक टकली होती है, एक चरखा होता है। आप क्या करते हैं, रुई लेते हैं, रुई को टकली पर लगाते हैं, ठीक है, और फिर चरखी को घुमाते हैं, तो उससे क्या बनता है आपका, तागा बनता है। आगे चलेंगे आप। अब ये क्या है आपका सर, कॉटन का फील्ड है आपका, कपास की खेती हो रही है यहाँ पर। कपास में क्या होता है आपका, जो कॉटन बॉल होती है आपका, ठीक है, उसमें क्या होता है आपका, जो फ्रूट होता है आपका, उसके अंदर जो सीड होता है, सीड के ऊपर क्या होता है, कपास होता है। फिर हम उस कपास को अलग करेंगे, कैसे अलग करेंगे ये देखते हैं। अब इस कपास को अलग कर रहे हैं आपका, गिनिंग की प्रोसेस होती है आपका, इस कपास को मैन्युअली अलग किया जाता है आपका, फिर इसको इस प्रोसेस द्वारा क्या किया जाता है आपका, सेपरेट किया जाता है,
आगे चलेंगे हम। ये जूट का पौधा है, आपने देखा गांव में पता होगा आपको खाट चारपाई होते हैं ना आपका, तो जो जूट होता है आपका, जूट के जो पौधे होते हैं उनको पानी में डाल दिया जाता है फिर वो गलने लगते हैं, या गांव में झोल में डाल देते हैं, गांव के बच्चे से अच्छे समझ रहे होंगे। फिर उसके बांध बनाए जाते हैं, सुना होगा आपने बांध बनाए जा रहे हैं आपका, और खाट की बुनाई की जाती है। तो आज आप खाट की बुनाई भी करेंगे, बांध भी बनाएंगे इससे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब ये आपका कॉटन से कैसे यार्न बनाया जा रहा है, मैंने बताया था आपको कॉटन से यार्न बनाना, ठीक है। अभी चरखे का सहायता लेंगे, चरखा दिखाइएगा जरा, गांधी जी का चरखा हम उठा के ले आया है, अरबों रुपए का चरखा यहाँ पर ले आया है, ये चरखा है देखो, ठीक है। चरखा आपने देखा होगा, आपने गांव में देखा होगा पहले दादा दादी वगैरह के पास चरखा हुआ करता था, जो कांग्रेसी हुआ करते थे आपका, मतलब कांग्रेस की पहचान थी आपका चरखा, ठीक है। अभी अभी मोदी जी ने छीन लिया कांग्रेसियों से, आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपका यार्न बनाने के पेपर से बनाए गए हैं एनसीईआरटी में, जो हम देखेंगे अभी, आगे चलिएगा। ये आपका हैंडलूम, आपने सुना होगा हैंडलूम क्या इंडस्ट्री को काफी प्रोत्साहन दे रहे हैं मोदी जी, और आपने देखा होगा यूपी में काफी पैसा मिल रहा है आपका हैंडलूम उद्योग को, लघु उद्योग को, ठीक है। ये सारे के सारे की वर्ड्स हैं जो हम देखेंगे इसमें। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। मैं आपके मैसेज पढ़ लेता हूँ एक बार, थैंक यू विकास पांडे जी, थैंक यू, सब आ गए हैं, अब हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा पटवा बोला जाता है, ठीक है ठीक है। इंजीनियर साहब पंकज जी आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर जी अब आप जा सकते हैं, अब हम ठीक है आ जाते हैं अपने मैनुअल काम पे, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है हाँ हो ओके ओके। आप एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो, जीवन का सत्य देखो यहाँ पर, हम कैसे इसको जीवन के साथ जोड़ेंगे, ये देखो आप, जब आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज क्या होती है आपकी, थोड़ी नॉलेज होती है, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है तो आपकी नॉलेज क्या होती है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और महीन हो जाती है, और जब और अच्छी क्लास में आते हैं तो आपकी नॉलेज बहुत क्या हो जाती है आपकी, स्टैंडर्ड लेवल की हो जाती है। मान लो मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो एमबीबीएस डॉक्टर जो होता है उसको सबकी नॉलेज होगी, वो किडनी की दवाई भी देगा, वो हार्ट की दवाई भी देगा, वो लंग्स की दवाई भी देगा, ब्रेन की दवाई भी देगा, सारी दवाई देगा। लेकिन जैसे आप एमएस करेंगे, एमडी करते हैं तो आप स्पेसिफिक हो जाते हैं, और जैसे आप डीएम करते हैं तो आप और स्पेसिफिक हो जाते हैं। ऐसे ही क्या होगा सर, ये कपड़ा है जो मैंने पहन रखा है, कपड़ा है ये, ठीक है, तो ये फैब्रिक है, ठीक है, अभी हम ब्रॉड टर्म में देख रहे हैं, लेकिन जैसे मैं इसमें से धागा निकालूंगा एक, तो वो क्या बन जाएगा, यार्न धागा, और जैसे उस धागे को महीन स्तर पर देखूंगा तो क्या बन जाएगा आपका, फाइबर, क्या बन जाएगा आपका, रेसा, रेसे बन जाएंगे आपका, फाइबर बन जाएंगे। आपने देखा भी होगा जब कभी कभी क्या होता है, हमें बटन लगाना होता है, मेरी शर्ट में तो बटन नहीं दिखाई दे होंगे आपको, ठीक है, ये मेरी शादी की शर्ट है, ये मैंने शादी में ली थी अपने, ठीक है, बहुत साल हो गए, 14 साल हो गए तब मैंने शादी में ली थी शर्ट, आज भी देखो इस शर्ट को मैं ऐसी रखे हुए हूँ बस, कभी कभी पहनता हूँ, 14 साल के बाद भी देखो कितनी चमक रही है शर्ट, क्यों चमक रही है, क्योंकि शादी की शर्ट है, ठीक है, संभाल के रखनी होती है, आप समझोगे इन बातों को। अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, मुझसे तो आधी उम्र के होंगे आप, मैं 37 साल का हो चुका हूँ, आप तो अभी छोटे बच्चे ही हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, और पहले मैं उन सब टीचर्स का स्वागत करता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिनके मैसेज आए थे मेरे पास कि सर आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी को नमस्कार सर, ठीक है, आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर मेरी तरफ से आपको कोई हेल्प हो सकती है तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। आप देखेंगे इन चीजों को कैसे मैं लिंक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपकी नॉलेज बहुत चीजों में मुझसे ज्यादा हो सकती है, ठीक है, और हो सकता है बहुत सी जगह मेरी नॉलेज भी ज्यादा हो आपसे, तो हम आगे बढ़ते हैं, आपका स्वागत है। आप देखिएगा सर यहाँ पर, तो सबसे पहले हम देखते हैं सर यहाँ पर क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं।
चैप्टर का नाम है आपका सर फाइबर्स, फाइबर्स टू फैब्रिक, फाइबर्स टू फैब्रिक क्या है आपका? तंतु से वस्त्र, वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। तो हम आप चीजों को लेते हैं आपका एनसीईआरटी को आप अलग रख दीजिएगा, आपका एनसीईआरटी को देखने की आवश्यकता नहीं है, जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आप एनसीईआरटी को देखना। सर आप जानते हैं सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी यहाँ पर आपका? फाइबर। और सबसे लार्ज यूनिट क्या है यहाँ पर आपका? फैब्रिक। तो जब मैं इसको अरेंज करता हूँ आपका, तो मैं पहले एक लाइन लिख लेता हूँ, ठीक है, कि जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, आर फाइबर्स, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। यहां पे देखो इसका मतलब क्या है, आप जानते हैं सर जो फाइबर्स होते हैं क्या होते हैं आपका? फाइबर्स, ये मिलकर क्या बनाएंगे आपका सर? यार्न। और यार्न मिलकर क्या बनाएंगे आपका? फाइबर्स मिलकर बनाएंगे यार्न, और यार्न मिलकर क्या बनाएंगे आपका सर? फैब्रिक। क्या बनाएंगे आपका सर? फैब्रिक। तो आप देख रहे हैं सर जब जो फाइबर होगा, फाइबर इन द सेंस आप देखा रुई वगैरह देखे होगे आपने, ठीक है, रुई में छोटे छोटे रेसे रेसे से होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है आपका सर? फाइबर, ठीक है। इनिशियल स्टेज में जो आप रुई प्राप्त करेंगे वो किस फॉर्म में होगा आपका? फाइबर के फॉर्म में। अब उस चरखे पे आप उसको लगाएंगे, तकली पे लगाएंगे आपका, रुई को प्रेस करके उस पे जो आप एक स्टिक सी होती है उस पर लपेट देंगे, तो उससे क्या बनेगा फिर आपका? यार्न। तो जो एक फाइबर होते हैं क्या होते हैं आपका सर? रेसे। क्या होंगे आपका सर? रेसे। जब इनको आप ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट सेवरल टाइम्स या ट्विस्ट सेवरल स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर टू मेक यार्न। यार्न क्या होता है आपका सर? तागा। क्या होता है आपका? तागा। जो आपने देखा होगा आपका सुई में धागा डलता है, आपका तागा जो डलता है सुई में, तो आपने देखा उसमें छोटे छोटे क्या होंगे? रेसे होते हैं। तो वो रेसे क्या है आपका? सेवरल स्ट्रैंड है। किसके स्ट्रैंड है आपके? फाइबर के। तो जो रेसे होते हैं आपका उसके बहुत सारे स्ट्रैंड को जब हम एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट करते हैं तो क्या बन जाता है आपका? यार्न। क्या बन जाता है आपका? तागा। अब क्या होगा आपका सर? जो यार्न है क्या है आपका? यार्न है आपका, इसको भी हम क्या करेंगे? ट्विस्ट सेवरल Several yarns together to make क्या बनाने के लिए आपका? Fabric। Fabric क्या होगा आपका सर? वस्त्र। क्या बनाने के लिए? Fabric बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए आपका? वस्त्र बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए आपका? वस्त्र बनाने के लिए। ठीक है, इसको नोट करो एक मिनट। मेरा माइक तो लगाया नहीं आज मैंने, माइक नहीं लगाया था, पता ही नहीं चला। हेलो दोस्तों, माइक लगाना भूल गया था मैं अभी, मैं माइक आवाज नहीं आ रही होगी आपको, अब आपको आवाज प्रॉपर आ रही होगी मेरे ख्याल से। माइक नहीं था, माइक पूरा है आपका, अब आवाज आ रही होगी आपको। आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन पा रहे हैं आप मुझे? तूने बताया नहीं यार, माइक नहीं लगा है। तो
ठीक है फिर, ठीक है। आप लोगों ने बताया नहीं मुझे कि साउंड नहीं आ रही है। ठीक, आ रही है साउंड? ठीक है, ऑफलाइन में भी टाइम लगेगा, देखो कब तक हो सकती है शुरू। एक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो ये था आपकी कि अभी शुरू हो जाएगा 5 अगस्त से, मतलब सरकार क्या करेगा आपका अनाउंसमेंट करेगा तो वो देखते हैं आप। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो एक कहानी समझ लीजिएगा पहले, फिर से आप मान लीजिएगा सर, जैसे आप कपड़ा देखते हैं, ठीक है, कपड़े में क्या होगा, फैब्रिक है कपड़ा, कपड़े में से कोई धागा निकलता है उसको क्या बोलते हैं आपका, उसको क्या बोलते हैं आपका, यार्न, तागा। और तागे को जब आप और प्रेस करते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं आपका, फाइबर निकलते हैं, क्या निकलते हैं आपका, रेशे। तो फाइबर मिलकर क्या बनाएंगे आपका, यार्न बनाएंगे, और यार्न मिलकर क्या बनाएंगे आपका सर, फैब्रिक, क्या बनाएंगे आपका, फैब्रिक। तो इसको याद रखना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे से क्या होता है आपका, आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है, जैसे आपको इनिशियल स्टेज में नॉलेज कम होती है तो आपको मान सकते हैं आप क्या है आपका, कपड़ा, और फिर आपको हाईर लेवल में जाते हैं, नॉलेज बढ़ जाती है तो आपको मान सकते हैं तागा, और जब आप सूक्ष्म लेवल पर आ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं आपका, फाइबर, क्या बन जाते हैं आपका, फाइबर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू नीतू, थैंक यू। साउंड पहले भी आ रही थी सुनील, ठीक है, नहीं साउंड पहले कम आ रही होगी, अब साउंड प्रॉपर आ रही होगी, है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी साउंड में, लेकिन कोई बात नहीं, अब ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखो सर यहाँ पर, अब सबसे पहले बेसिक क्या है हमारा, क्या है आपका, फाइबर्स, क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, फाइबर्स, और फाइबर्स को हम फिर कन्वर्ट करेंगे किसमें आपका, फैब्रिक में, किसमें कन्वर्ट करेंगे आपका, फैब्रिक में, ठीक है। और जो यार्न से फैब्रिक बनता है तो वो दो प्रोसेस द्वारा बनेगा, एक कहेंगे वेविंग, ठीक है, उसको कहते हैं बुनाई या बंधाई, और एक कहते हैं नीटिंग। नीटिंग आपको पता ही है आपका, बुनाई जो होती है। नीटिंग में केवल एक यार्न यूज करते हैं आप, ठीक है, कभी कभी मम्मी दो कलर का स्वेटर भी बुनती है, तो आपने देखा होगा दो कलर का स्वेटर भी होता है, ठीक है, लेकिन एक कलर का यूज करते हैं आपका, दो कलर भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी कुछ टैलेंटेड होते हैं तीन कलर भी यूज करते हैं, कभी कभी मल्टी कलर भी यूज करते हैं, आजकल की जनरेशन को नहीं पता होगा ये सब बातें। और जो दूसरा होगा आपका, दूसरा होगा उसको बोलते हैं वेविंग, ठीक है, इसको हम देखेंगे अभी। तो आपने देखा आपका, सबसे पहले हम देखा कि जो फैब्रिक्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, यार्न के बने होते हैं, और यार्न किसके बने होते हैं, फाइबर्स के, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं फाइबर्स को, अभी जो बता रहा हूँ फाइबर्स का क्लासिफिकेशन, तो आप देखेंगे ये CAPF में पूछा गया है, CDS में पूछा गया आपका, ठीक है, SSC में पूछा गया, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैं यहाँ क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ आपका, किसका, फाइबर्स का, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ चीजें अरेंज नहीं है, तो यहां पर मैं अरेंज करके बता रहा हूं आपको, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ आगे दे दिया कुछ पीछे दे दिया, ठीक है, तो वो ठीक रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि हम चीजों को थोड़ा और अरेंज करके बता रहे हैं आपको, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब देखेंगे आप यहां पर क्या है आपका सर, जो फाइबर है क्या है आपका, तंतु, या इसको क्या बोलेंगे आपका, रेसे, ठीक है। ये दो प्रकार के होंगे फाइबर, टू टाइप्स के होंगे आपका, एक होगा आपका मैनमेड, एक होगा मैनमेड, ये इनको बोल देते हैं आपका सिंथेटिक, क्या बोल देते हैं आपका, सिंथेटिक, सिंथेटिक, ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, कृत्रिम फाइबर। और दूसरे होंगे आपका नेचुरल, क्या होंगे आपका, नेचुरल, ध्यान से देखते रहो, नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स, ये क्या होंगे आपका, प्राकृतिक रेसे। सिंथेटिक फाइबर आपने देखा होगा, जो जो गर्ल्स होंगी उनको ज्यादा पता होगा, ठीक है, जब आप दुकान पे जाते हैं तो आप कहते हैं कभी कभी कि पॉलिस्टर के दिखाओ, नायलोन के दिखाओ, ठीक है, कॉटन के कपड़े दिखाओ, ठीक है, सिल्क की साड़ी लूंगी, ठीक है, ऐसा ही बोला जाता है, या आपने सुना होगा कि बनारसी साड़ी, समझे नहीं समझे चीजों को। तो ये जो मैनमेड होते हैं आपका, मैनमेड का जो एग्जाम्पल है आपका, पहला कौन सा है आपका, नाइलॉन, ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था आपका, नाइलॉन। आपसे पूछा गया CDS 2016 में सेकंड पेपर में,
सीएपीएफ में बार बार, एसएससी में बार बार कि नायलोन किस किस का, नायलोन किसका पॉलीमर होता है। तो अब मैं इसको सिक्स क्लास को किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, आपका ट्वेल्थ क्लास से, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं आपका देख रहे होंगे, आपका सिक्स क्लास वाले, वो घबराएंगे नहीं। सिक्स क्लास को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, आपका ट्वेल्थ क्लास से, ठीक है। यहाँ पर केवल इतना ही दिया हुआ है आपका कि सिंथेटिक फाइबर कौन सा है आपका, नाइलॉन। तो मैं बता रहा हूँ ये इसके मोनोमर यूनिट किसकी होती है। देखो यहाँ पर बच्चों, मान लो सर आपने कभी नाम सुना है ग्लूकोज का, सुना है कभी? तो ग्लूकोज आपस में मिलकर क्या बनाता है आपका, सेल्युलोज। क्या बनाएगा आपस में मिलकर आपका, स्टार्च। तो छोटी छोटी यूनिट मिलकर जो बड़ी बड़ी यूनिट बनाती है तो उसको होते हैं बहुलक, क्या होते हैं, पॉलीमर्स। तो आपसे पूछता है कि जो नायलोन है ये किसका पॉलीमर है, तो ये पॉलीमर होता है आपका एडिपिक एसिड। याद रखना है सर, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एडिपिक एसिड। और किसका पॉलीमर होगा, हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे लिखवाना पड़ा आपका। ये पूछा जाता है बार बार कि नाइलोन, नाइलोन 66, ठीक है, किसका पॉलीमर है आपका, ये पॉलीमर होता है आपका एडिपिक एसिड, और किसका होगा, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। अब जब मैं आगे पॉलीमर्स पढ़ाऊंगा आपको, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एनसीईआरटी सीरीज से अलग, तो वहां पर बताऊंगा नाइलोन 6 कौन सा होता है, 66 कौन सा होता है, ये सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर एक होता है रेयोन, रेयोन भी पूछा गया लास्ट ईयर, रेयोन ये भी क्या है आपका सर, एक सिंथेटिक पॉलीमर है आपका। और ये किससे बनता है, जो पौधों की क्या होती है, छाल होती है। तो आपसे पूछता है कि जो सेल वॉल होती है आपकी पौधों की, वो किसकी बनी होती है आपकी, सेल वॉल ऑफ पौधों की किसकी बनी होती है आपका, किसकी बनी होती है, सेल्युलोज की। तो ये सेल्युलोज से बनता है, रेयोन किससे बनता है आपका, सेल्युलोज से। सिंथेटिक ये कैसा फाइबर है आपका, सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्युलोज। ये किससे बना होता है आपका, सेल्युलोज से बना होता है। किससे बना होगा आपका, सेल्युलोज से बना होगा, ठीक है। आप नाम सुनोगे पॉलीथीन, सभी ने सुना होगा पॉलीथीन, क्या होगा, पॉलीथाइलीन, या क्या बोल देंगे, पॉलीथीन। और ये किसका पॉलीमर होता है, ये किसका पॉलीमर होता है आपका, इथीन का। किसका पॉलीमर होगा आपका, इथीन। तो मैं उन बच्चों के लिए फायदेमंद बना रहा हूं आपका ये चीजें, जो क्या है आपका जो तैयारी कर रहे हैं सीडीएस सीएपीएफ एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी फायदा मिलेगा, ठीक है, उनको भी फायदा मिलेगा। क्या आपको मेरी आवाज सुनना पा रहे हैं, मेरी आवाज, ठीक है, यस करके बोलो, कोई कमेंट्स नहीं आए इतनी देर से, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर क्या है आपका, पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या है आपका सर, किसका पॉलीमर है आपका, इथीन का। एक होता है आपका, इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक्राइलिक। तो एक्राइलिक जो होता है ये किसका पॉलीमर होता है, ये होता है आपका पॉली एक्राइल क्या होगा आपका, नाइट्राइल, ठीक है, पॉली एक्राइल नाइट्राइल। ये सारे के सारे मैंने आपका, जो मेरी बुक है आपका द फनेशियो ऑफ जनरल साइंस, उसमें सब दे रखे हैं, पॉलीमर्स वाला एक चैप्टर उसमें पूरी की पूरी सीरीज दे रखी है। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिखवाया है आपका, नायलोन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन इंपॉर्टेंट है आपका, रेयोन, और कौन है आपका, पॉलीथीन। ये तीन इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे है आपका, सिंथेटिक, सिंथेटिक मीन्स जो ना तो प्लांट सोर्स से मिलेंगे ना एनिमल सोर्स से मिलेंगे, जिनको हम लैब में बना सकते हैं वो क्या होते हैं आपका, सिंथेटिक। क्या होंगे आपका, सिंथेटिक। तो एक होंगे कृत्रिम, और दूसरे कौन से होंगे आपका, नेचुरल। कौन से होंगे आपका, नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स। एक होंगे आपका जो प्लांट फाइबर्स होंगे, प्लांट फाइबर्स कौन से होंगे आपका सर, प्लांट फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जो हमें किससे प्राप्त होंगे, पौधों से। आप बताइएगा कॉटन किससे प्राप्त होगी, पौधों से या जंतुओं से। आप बताइएगा सर जो सिल्क होता है वो किससे प्राप्त होगा, पौधों से या जंतुओं से। आप बताइएगा जो बूल होगा, जो ऊन होगी वो किससे प्राप्त होगा, पौधों से या जंतुओं से। आप बताइएगा सर, आपसे पूछा जा रहा है कि जो जूट होता है आपका, जूट, ठीक है, वो किससे प्राप्त होगा आपका, पौधों से या जंतुओं से। पटसन बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, पटसन या जूट, वो किससे प्राप्त होगा, पौधों से या जंतुओं से। तो इन बातों को बताइएगा आप। तो आप देख रहे हैं जो प्लांट फाइबर्स होंगे आपका, उनमें कौन आएगा आपका, कॉटन, या आएगा आपका कपास। जब आपको पढ़ाऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो उसमें बताऊंगा बीटी कॉटन, बैसिलस थ्रोनजेनेसिस कॉटन, बीटी कॉटन। वहां बताऊंगा बीटी ब्रिंजल, जो आपका क्या होता है, ब्रिंजल होता है, ब्रिंजल क्या होता है, बैंगन जो होता है, बीटी ब्रिंजल, ठीक है। तो ये कहां पर यूज होता है आपका,
क्या इनके बेनिफिट है, बायोटेक्नोलॉजी में कौन से जीन को मॉडिफाइड करके इनको बनाया गया, तो ये कहां आएगा आपका 12th क्लास में। अभी बस याद रखना, ये क्या है आपका कॉटन, कपास, क्या है आपका सर कपास। यहां पर मैं बताऊंगा आपको जूट, जूट क्या होगा आपका जूट, या क्या बोलते हैं इसको पटसन, क्या होगा आपका पटसन। अब इसको लिंक करूंगा मैं ज्योग्राफी के साथ, आप बताएंगे कॉटन प्रोडक्शन के लिए, कॉटन की खेती के लिए आपको कैसा एनवायरमेंट चाहिए, आपका सोयल कैसे चाहिए, आपका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे चाहिए, और कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है आपका, और हिंदुस्तान में कौन सा राज्य करता है। ऐसी जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है और हिंदुस्तान में कौन सा राज्य करता है, ठीक है, ये बातें बतानी है आपको। अब दूसरा है आपका एनिमल फाइबर, दिखाई दे रहा है यहां पर एनिमल फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स, जो एनिमल फाइबर्स होंगे, एक होंगे प्लांट फाइबर्स और दूसरे कौन से होंगे आपका एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स में आप देखेंगे सर, एनिमल्स में कौन आएगा आपका बूल, कौन आएगा आपका ऊन, और क्या आएगा आपका सिल्क फाइबर, क्या आएगा आपका सिल्क फाइबर्स, क्या बोलेंगे इसको रेशम, रेशम तंतु या रेशम के रेशे, रेशम तंतु। आप जल्दी से बताएंगे क्विक एंड फास्ट, जल्दी से बताएंगे कि सेरीकल्चर, जो सेरीकल्चर होता है आपका वो किस किस स्टडी को बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, ठीक है, आप सुन पा रहे हैं मुझे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा आपके, ब्लैक सोयल एंड ह्यूमिड एयर, ठीक है, इन सब चीजों पर आएंगे अभी, चिंता मत करो, कौन कौन सी सोयल है हिंदुस्तान में ये भी आएगा सब। तो आप देख रहे हैं सर कि जो फाइबर है आपका, तंतु है, दो प्रकार का, एक है मैनमेड और एक दूसरा कौन सा है आपका नेचुरल। मैनमेड जो है आपका, इसमें इंपॉर्टेंट जो बताया गया है आपका 6th क्लास के एनसीईआरटी में, नायलोन, रेयन, क्या आएगा आपका पॉलीथीन, और क्या आएगा आपका एक्राइलिन। और जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 12th क्लास में देखेंगे हम रबड़, हम किसको देखेंगे आपका रबड़ को देखेंगे, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ क्या होता है आपका, ये सब चीजें देखेंगे। फिर हम वहां पर पॉलीमर को भी डिवाइड करेंगे, पॉलीमर को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो पॉलीमर की क्लास होगी, तो उसमें एक डेढ़ घंटे में यही सब बताऊंगा जो मैं आपको कितनी देर में बताया आपका, केवल 5 मिनट में बताया, ठीक है। फिर आएगा आपका नेचुरल फाइबर में कौन आएंगे आपका, प्लांट फाइबर जो पौधों से प्राप्त होते हैं, और एनिमल फाइबर जो एनिमल से प्राप्त होते हैं। प्लांट फाइबर में कौन है आपका कॉटन, कौन है आपका जूट, और यहां पर वूल, क्या है आपका सिल्क फाइबर्स। अब इनको देखते हैं आपका एक एक करके, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में, इसमें मैक्सिमम डिस्कशन किसका क्या गया आपका कॉटन का, और किसका क्या गया आपका जूट का। हम वूल को भी देखेंगे और किसको देखेंगे सिल्क फाइबर्स को भी देखेंगे, ठीक है। सीधे होके बैठो, लंबी लंबी सांसें लो, सीधे होके बैठो, लंबी लंबी सांसें लो। जिन जिन बच्चों का सीपीओ का पेपर है तो उनके लिए मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने वाला हूँ, इसको कंप्लीट करने के बाद, 6th क्लास के एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करूंगा। रक्षाबंधन पे जब आपकी क्लास ऑनलाइन क्लास 1-2 दिन के लिए ऑफ रहेगा, ठीक है, तो उस दिन मैं क्या कराऊंगा आपको, ये सीरीज कंप्लीट करा दूंगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बच्चे तो ये सोचते होंगे कि एनसीईआरटी तो हमारे मतलब की नहीं है, असल में यहां से ही क्वेश्चन मिलते हैं आपको, एनसीईआरटी तो मेन होता है, एनसीईआरटी टीचर्स पढ़ाते नहीं है क्योंकि काफी लेंथी हो जाता है। कहते सब हैं कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ना तो बच्चा पढ़ता है एनसीईआरटी ना टीचर पढ़ता है। वास्तविकता यह है कि आप किसी भी यूपीएससी के इंस्टीट्यूट में जाओगे तो यूपीएससी के इंस्टीट्यूट में, जैसे आप बाजीराम रवि में जा रहे हैं आप, ठीक है, तो वहां पर आपको कहा जाएगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी पढ़ाने के नाम पर ही क्या कर रहे हैं, आपका मोटा पैसा कमा रहे हैं। एनसीईआरटी वगैरह कोई नहीं पढ़ाता, बहुत सारी बुक होंगी कि एनसीईआरटी कवर है इसमें, एनसीईआरटी कहीं कवर नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी बुक है जो मैं पब्लिश कर रहा हूँ, उसमें एनसीईआरटी पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर है आपका 6th क्लास से लेकर आपका 10th क्लास तक की, ठीक है। तो आप देखेंगे, अंतर समझेंगे चीज़ों का। अब सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल फाइबर में,
क्या आपका सर? नेचुरल फाइबर्स, उसमें भी कौन से आएंगे आपका? प्लांट फाइबर्स। कौन से आपका? प्लांट फाइबर्स। ये कौन से फाइबर्स हैं आपका? प्लांट फाइबर्स। पादप तंतु, कौन से आपके? पादप तंतु। क्या है आपका? पादप तंतु। अब इस पादप तंतु में सबसे पहले क्या आता है आपका? कोटन। क्या आएगा आपका? कोटन। कोटन क्या होगा आपका? कपास। क्या होगा आपका सर? कपास। आपसे पूछता है कि जो कपास होता है, कपास किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास प्राप्त किया जाता है, आपने सुना होगा आपका, सीड बोल्स। किससे प्राप्त किया जाता है आपका? सीड बोल्स से क्या प्राप्त किया जाता है आपका? कपास। कपास का गुलर होता है आपका, जिससे कपास प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्टेन फ्रॉम सीड। क्या आएगा आपका? बोल्स। क्या आएगा आपका? कपास गुलर या कपास गोलक बोल देते हैं, कपास गोलक, इससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो फ्रूट होता है आपका नींबू के साइज का, जैसा इसमें बता रखा है एनसीईआरटी में, उसके अंदर से क्या होगा आपका? सीड, सीड के ऊपर कवरिंग होती है आपका, वो कवरिंग क्या होती है आपकी? कपास। क्या होगा आपका? कपास से प्राप्त किया जाता है। कपास के किस भाग से प्राप्त किया जाता है आपका? सीड बोल से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, कहाँ से प्राप्त किया जाता है आपका? सीड बोल से। तो आपसे पूछते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इसका? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री। सबसे ज्यादा उत्पादन कपास का कौन करता है आपका? भारत करता है। और भारत में भी कौन सा स्टेट करता है? कौन सा करता है आपका? गुजरात। कौन सा करता है आपका? गुजरात। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट। ये तो है कंट्री, और ये क्या है आपका सर? स्टेट। सबसे अधिक कौन सा राज्य कपास का उत्पादन करता है? कौन करता है आपका सर? गुजरात। कौन करेगा आपका? गुजरात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप अच्छे से मेहनत करेंगे और इस बार सिलेक्शन लेंगे आप। जय हिंद अनमोल। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, तो इंडिया क्या है आपका सर? इंडिया क्या है आपका? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है आपका। और गुजरात क्या है आपका? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है आपका। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है आपका? कौन करता है आपका सर? गुजरात। अच्छा, आप ये बताइएगा मुझे, आप ये बताइएगा कि स्वतंत्रता संग्राम में, जब स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था आपका, तो एक बहुत बड़े क्या थे आपका, नेता थे आपका और समाज सुधारक थे, जिन्होंने कपास को वेपन के रूप में यूज किया। आपने सुना खादी अपनाओ, खादी अपनाओ, चरखा, खादी, उनका नाम क्या था आपका? उनका नाम था आपका द ग्रेट मैन महात्मा गांधी। कौन थे आपका? महात्मा गांधी। जब, ठीक है, हमारे स्ट्रगल पर, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था उस पर विराम सा लग गया, तो उसके बाद किसकी एंट्री होती है आपकी? महात्मा गांधी की एंट्री होती है, और फ्रीडम स्ट्रगल को एक नया रंग देते हैं, नया रूप देते हैं, और अच्छे से प्लानिंग करके हमें आज़ादी दिलाते हैं। कौन है आपका? महात्मा गांधी। हालांकि महात्मा गांधी के संदर्भ में बहुत से बच्चों के विचार कुछ अलग भी होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो एक ग्रेट मैन थे आपका, और हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन, जो आपकी जनरेशन है, जो मेरी जनरेशन है, वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को ज़्यादा मानती है। लेकिन अगर गांधी जी ना होते तो फिर काफ़ी समस्याएं पैदा होती हमारे सामने। ठीक है, जैसे गांधी जी का इंपॉर्टेंट रोल है, सुभाष चंद्र बोस जी का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का इंपॉर्टेंट रोल है, सबका इंपॉर्टेंट रोल है आपका, आप किसी को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सभी का सम्मान करना चाहिए। ठीक है सर, अब देखते हैं हम यहाँ पर, आपसे पूछता है सर, अब इसी खादी को, इसी खादी को सम्मान देने के लिए हमारी भारत सरकार ने 1956 में, हमारी भारत सरकार ने 1956 में क्या बनाया आपका? एक जो 1956 में बनाया आपका खादी, आपको याद होगा, दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में, खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 बनाया। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बॉम्बे में। कहाँ है आपका?
बॉम्बे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? बॉम्बे में। 6 इसके रीजनल सेंटर है आपका, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? बॉम्बे। तो कॉटन या खादी को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी भारत सरकार ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट बनाया आपका। कब बनाया आपका? 1956 में। अब आप जानते हैं, जब हम वस्त्रों का इतिहास देखते हैं आपका, तो आपने देखा होगा पहले जो मानव थे आपका, वो पत्ते, जो बड़े बड़े पत्ते होते थे, उनको यूज करते थे आपके अपने शरीर को ढकने के लिए, ठीक है। फिर किसका इस्तेमाल करने लगे आपका? फिर जब थोड़ी बहुत खेती जान गए वो, ठीक है, थोड़ी बहुत खेती जान गए, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो छाल होती है, छाल वगैरह, ठीक है, या खेती में आप यूज करने लगे, उन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे। और लास्ट में हमारे यहाँ देखा गया आपका, जो हमें प्रमाण मिलते हैं आपका, आपने सुना होगा हड़प्पा, सुना है कभी हड़प्पा? आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी प्रमाण मिलते हैं आपका लगभग लगभग 2800 BC, ठीक है, 2800 BC में भी प्रमाण मिलते हैं कि उस समय भी किसका इस्तेमाल किया गया था आपका? कॉटन का। किसका इस्तेमाल किया गया था आपका? कॉटन का इस्तेमाल किया गया था। किसके लिए आपका? वस्त्र बनाने के लिए। वस्त्र बनाने के लिए कॉटन का इस्तेमाल किया गया था। तो एंशिएंट टाइम से ही कॉटन का इस्तेमाल करते हैं वस्त्र के रूप में। किसके रूप में? आपका वस्त्र के रूप में, ठीक है। गांधी जी ने एक नारा दिया था आपका, ठीक है, कि देसी अपनाओ, ठीक है, देसी अपनाओ। मीन्स देसी अपनाओ का मतलब क्या? जो कपड़े वगैरह विदेशी कपड़े हैं आपका, उनका बहिष्कार करो और देसी अपनाओ। जैसे आज नारा दिया जा रहा है आपका पूरे देश की तरफ से कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करो और भारतीय सामान अपनाओ। हालांकि भारतीय सामान अभी मार्केट में इतना नहीं है, लेकिन जैसी अब डिमांड बढ़ रही है आपकी, ठीक है, मार्केट में डिमांड बढ़ रही चीज़ों की, तो भारतीय, भारत जो प्रोडक्शन कर रहा है आपका, लगातार बढ़ा रहा है आपका भारत प्रोडक्शन। अब आप देखेंगे आने वाले 3-4 महीने में जो खिलौने आप चाइनीज खिलौने लेते थे आपका चांदनी चौक पर, अब वहाँ पर क्या मिलेंगे आपका? मेड इन इंडिया खिलौने मिलेंगे। तो काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। जब ये लगता है मुझे कि मुझे भविष्य में पैसा मिलेगा, मुझे भविष्य में पैसा मिलेगा, तो मैं अच्छे से काम करता हूँ। और जब ये लगता है कि सामान बना तो लेंगे, बिकेगा नहीं, तो क्या होगा? आपका दिक्कत होती है, ठीक है। ये समस्याएं आती हैं जब आप कोई बिजनेस करते हैं। तो आपने देखा कॉटन के बारे में, आपने देखा आपका कॉटन के बारे में। अब जब ये कॉटन है आपका, इस कॉटन को देख रहे हैं, तो जब एनसीईआरटी आप देख रहे हैं आपका, तो आपने क्या किया आपका, जो कॉटन रोल लिया आपने, ठीक है, एक बार देख लो इसको। आपने क्या लिया आपका? कॉटन लिया यहां पर आपने, ठीक है, इसमें एनसीईआरटी के लास्ट में देखेंगे आप, दिया हुआ है आपका, ठीक है। आपने कॉटन रोल लिया आपका, रोल्स, ठीक है, कॉटन रोल्स लिया आपने, कपास गोलक लिया। और सबसे पहले क्या करेंगे, जब कॉटन की खेती होती है, तो आपने कपास को क्या किया आपका? सेपरेट किया, सीड से सेपरेट किया। फिर आप वहां पर एक प्रोसेस अपनाते हैं जिसको कहते हैं गीनिंग। क्या होते हैं आपका? गीनिंग होगा आपका। गीनिंग में क्या करेंगे आपका? कपास को आप सेपरेट करेंगे, इसको हिंदी बोलते हैं ओटना। क्या बोलते हैं आपका? ओटना। गीनिंग करेंगे, ओटना। आपने इमेज देखी होगी, उसमें एक इमेज थे आपकी गीनिंग का। गीनिंग के द्वारा क्या करते हैं आपका, इनको सेपरेट किया जाता है, सीड से अलग किया जाता है आपका, ठीक है। कॉटन रोल को सीड से अलग किया जाता है आपका, गीनिंग बोलते हैं इसको। अब जब इसकी गीनिंग की जाएगी, ठीक है, तो गीनिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, यहां से क्या मिलेगा आपको? फाइबर। क्या मिलेगा आपका? फाइबर। रेशे। क्या मिलेगा आपका? फाइबर। अब जब फाइबर किया जाएगा, फाइबर मिलेगा, तो अब आप इसकी क्या करेंगे? स्पाइनिंग। स्पाइनिंग क्या होती है आपकी? कताई। क्या करेंगे आपका? कताई। स्पाइनिंग करेंगे आप इसकी, क्या करेंगे आपका? कताई करते हैं। क्या करते हैं आपका? कताई, ठीक है। आपने एक इमेज देखी होगी जिसमें पेपर को लिया आपने, या हैंडलूम इंडस्ट्री वगैरह में देखा होगा आपने, ठीक है, और उसमें भी क्या करते हैं आपका? कताई से मत करो आप, कताई किससे करो आपका? चरखे से। किससे करो आपका? चरखे से। जब चरखे से कताई करेंगे, तो यहां पर क्या बनेगा आपका? यार्न। क्या मिलेगा आपका? तागा। क्या मिलेगा आपका? तागा। अब जो ये तागा होगा, क्या होगा आपका? तागा। इस तागे से या तो आप क्या करेंगे? वेविंग करेंगे। वेविंग क्या करेंगे? बुनाई, या क्या होगा आपका? बंधाई। बुनाई या क्या होगा? बंधाई। इससे क्या बनाएंगे आपका? फैब्रिक बना देंगे यहां पर। या आप क्या करेंगे? नीटिंग। क्या करेंगे आपका? नीटिंग करेंगे। नीटिंग क्या होगा आपका? सर बुनाई। और यहां पर भी क्या बना देंगे आपका? फैब्रिक। क्या बना देंगे आपका? सर फैब्रिक, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस यहां पर होती है, ठीक है। एक बार
एक बार आप देखते हैं गिनिंग क्या होता है। गिनिंग क्या होगा, होगा सेपरेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन। जो सेपरेशन होता है, जो आप कपास होता है ना, कपास के जो सीड हैं उनसे जो कॉटन है उसको सेपरेट किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। ठीक है, और जो फाइबर बनते हैं आपका, फिर किसके लिए जाता है प्रोसेस, स्पाइनिंग। स्पाइनिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, जो यार्न बनाने की प्रोसेस है आपका किससे, आपका फाइबर से, उसको क्या बोलते हैं आपका स्पाइनिंग। क्या बोलते हैं आपका स्पाइनिंग। इसको नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से। ठीक है, स्पाइनिंग के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, चरखे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे सिंपल वे क्या होता है आपका, चरखा। क्या होगा आपका, चरखा। ठीक है, चरखे में आपने देखा होगा एक क्या होता है आपका, टकली होता है। टकली पे क्या करते हैं आपका, टकली पे आप क्या करेंगे, ये जो फाइबर होगा इसको टकली के ऊपर क्या करते हैं, रैप कर देंगे, और फिर चरखे से क्या बनाएंगे आपका, यार्न बनाएंगे। ये सब चीजें होती हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, देख लेंगे आप इसको, इसको पाउच करके देख लेंगे बाद में, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें दी हुई हैं, आप देखेंगे। आपको मैं ये जो चैप्टर है आपका, और लास्ट चैप्टर भी मैं नहीं भेज पाया था, मैं अभी बस इसको भेज दूंगा आपको। आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा सारा का सारा चैप्टर, t.me_frontline। ठीक है, और क्या होगा आपका, /frontline_1। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो आपका टेलीग्राम का चैनल है वो मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आता है सर जूट। क्या आता है आपका, जूट। जूट क्या होता है आपका सर, पटसन। क्या होता है आपका, पटसन। आपसे पूछे जूट किससे प्राप्त किया जाता है, तो जो जूट का प्लांट होता है आपका, जब फ्लावरिंग आने वाली होती है, जब उस पर पुष्प आने वाले होते हैं, तब इसको प्राप्त किया जाता है। इसको प्राप्त किया जाता है आपका किससे, आपका सर स्टेम से। किससे प्राप्त किया जाता है आपका, स्टेम। ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट प्लांट होता है उसके स्टेम से प्राप्त किया जाता है, उसके स्टेम से प्राप्त किया जाता है। किसको प्राप्त किया जाता है आपका, जूट को। ठीक है, उससे प्राप्त किया जाता है आपका जूट को। ये रेनिंग सीजन में ग्रो किया जाता है। किस सीजन में ग्रो किया जाता है आपका, रेनिंग सीजन में। जब बारिश का मौसम होता है तो उस मौसम में ग्रो किया जाता है। जब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, इसकी कटाई करते हैं, तो उसको पानी में डूबो कर रख देते हैं। जब पानी में डूबो कर रखते हैं तो उसका जो तना होता है वो फूल जाता है, और उससे रेसे रेसे अलग हो जाते हैं। ठीक है, फिर उनसे क्या प्राप्त किया जाता है आपका सर, जूट प्राप्त किया जाता है। गाँव के बच्चे अच्छे से जानते होंगे जूट के बारे में, गाँव के बच्चे अच्छे से जानते होंगे जूट के बारे में। ठीक है, आपसे पूछा है सर, आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका कौन करता है, कौन करता है आपका, इंडिया। अब इंडिया हो गया आपका, ठीक है, इंडिया। फिर कौन है आपका, चाइना। और कौन है आपका, बांग्लादेश। कौन है आपका सर, बांग्लादेश। ठीक है, ये कंट्री की रैंक है। और अगर मैं स्टेट की बात करूं, ठीक है, स्टेट, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं आपका, कंट्री की बात कर रहा हूं। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो इसमें तीन स्टेट दी हुई है आपका। कौन कौन से स्टेट है आपका, वेस्ट बंगाल। कौन सा है आपका, वेस्ट बंगाल। फिर कौन है आपका, बिहार। बिहार वाले बच्चे देखेंगे जूट प्रोडक्शन में आप सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या आपका, आसाम। फोर्थ नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश। फिफ्थ नंबर पे क्या आपका, ओडिशा। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, तीन दिए हुए हैं, तीन इंपॉर्टेंट होते हैं। तीन का पहला इंपॉर्टेंट होता है कि मेन प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं सर यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैसेज करो हाँ या ना जल्दी से। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पर जो जूट है आपका, वो किससे ऑप्टेन किया जाता है, वो ऑप्टेन किया जाता है आपका स्टेम ऑफ जूट प्लांट से ऑप्टेन किया जाता है। तो जूट क्या आपका, एक प्लांट फाइबर है। क्या आपका, प्लांट फाइबर है आपका, जो किससे प्राप्त किया जाता है आपका, ठीक है, जूट प्लांट से ऑप्टेन किया जाता है। इसके बाद आता है आपका फ्लैक्स। क्या आता है आपका, फ्लैक्स। जब आप देखेंगे जो नील है, रिवर नील है, नाइल जो बोलते हैं आपका, नाइल रिवर जो है आपका कहां पर है जल्दी से बताएंगे मुझे, अफ्रीका में है, अमेरिका में है नाइल रिवर। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कहां पर है। ठीक है, तो वहां पर उसके एरिया में क्या ग्रो किया जाता है आपका, फ्लैक्स। क्या ग्रो किया जाता है आपका, फ्लैक्स। ये भी क्या आपका, एक फाइबर है। ये भी क्या आपका, एक प्लांट से प्राप्त करने वाला फाइबर है आपका, फ्लैक्स।
ये किसे प्राप्त किया जाता है आपका, ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट की स्टेम से प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट की स्टेम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और आप याद रखेंगे जब आप एंशियंट इजिप्ट की बात करेंगे, ठीक है, हम मिस्र देश की बात करेंगे, तो उस समय इसको ग्रो कराया जाता था आपका इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स फाइबर या फ्लैक्स वर कल्टीवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, कपड़े बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जब एंशियंट मिस्र की बात करेंगे आप, तो वहां पर देखेंगे कॉटन के साथ साथ क्या ग्रो कराया जाता है आपका, फ्लैक्स, ठीक है। और किसके लिए किया जाता था आपका, कपड़े बनाने के लिए। याद रखेंगे जो फ्लैक्स होता है वो 2 से 3 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर होता है किससे, कॉटन से ज्यादा क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्गर होता है। क्या स्ट्रॉन्ग होगा आपका फ्लैक्स, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। फ्लैक्स, और जो फ्लैक्स है आपका, ठीक है, ये कहां पर क्यों कराया जाता है आपका, जो कोल्डर एरिया है आपका, जो ठंडे स्थान होते हैं वहां पर इनकी खेती कराई जाती है। इंपॉर्टेंट नहीं है आपका ज्यादा, क्योंकि एक टर्म यूज किया था आपका एनसीईआरटी ने फ्लैक्स, तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लैक्स, ठीक है। ये जो लाइन है नीचे वाली, ये एनसीईआरटी से ली गई हुई है आपका, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका सर एनिमल, क्या आते हैं आपका, एनिमल फाइबर्स, इंपॉर्टेंट है एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स में सबसे पहले कौन आता है आपका, ऊन आएगा आपका, ठीक है। आप जानते हैं जो जानवर होते हैं, कुछ जानवर की जो हेयर होते हैं आपका, ये उनके शरीर पे क्या ग्रो करता है आपका सर, ऊन ग्रो करता है, ठीक है। उनके हेयर को जब हम लेते हैं या उनकी स्किन को क्या करते हैं आपका, जब उनका मुंडन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है आपका, ऊन प्राप्त होता है। तो जो बूल है वो क्या होता है आपका, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस, ठीक है, इसको होते हैं कार्तित या कर्तन या मुंडना, फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट, ये बकरी और जो भेड़ होती है आपका, उनसे प्राप्त किया जाता है। आपने देखा भेड़ वगैरह पाली जाती हैं ऊन का प्रोडक्शन करने के लिए, उनका उनकी प्रोडक्शन करने के लिए क्या पाई जाती है आपकी, भेड़ वाले वगैरह पाली जाती हैं। और ये किससे प्राप्त होता है, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट्स, एक रैबिट आएगा अभी, बहुत बार पूछा गया सीजल में, रैबिट्स, यॉक एंड किससे प्राप्त किया जाता है आपका, एंड कैमल, इनसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये इनके हेयर से प्राप्त किया जाता है, खरगोश, यॉक और कैमल के हेयर से प्राप्त किया जाता है। तो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कभी कभी, कि जो कौन सा क्वेश्चन पूछता है आपका, एक क्वेश्चन पूछता है कि जो अंगोरा, सुना होगा आपने, जब मेरी बुक पढ़ते हैं आप तो वहां पर एक क्वेश्चन मिलता है, अंगोरा बूल इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये किससे प्राप्त किया जाता है आपका अंगोरा, तो अंगोरा रैबिट, ये अंगोरा रैबिट होता है जिससे क्या प्राप्त किया जाता है आपका, अंगोरा बूल ये प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है आपसे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। थैंक यू अनमोल। ओल्ड सर, ओल्ड रनिंग बैच कब स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ओल्ड रनिंग बैच स्टार्ट होंगे आपका जब ये ओपन हो जाएगा। अब क्या होगा, ओल्ड वगैरह कुछ नहीं होगा, जो बच्चे पुराने बच्चे होंगे, क्योंकि अब
आप ये मत समझो कि जो बैच चल रहे थे आपका, काफी पुराने बैच थे आपका, वो वहां से ही शुरू होंगे, नए बैच शुरू होंगे आपका। उसमें ये होगा किसी में हम पॉलिटिक्स शुरू करा देंगे, किसी में हिस्ट्री शुरू करा देंगे, किसी में इकोनॉमिक्स शुरू करा देंगे आपका, किसी में साइंस शुरू करा देंगे। तो जिस बच्चे का जो छुट्टा होगा वो उस बैच में आकर कर लेगा। एक बैच में एक ही सब्जेक्ट लगातार चलता रहेगा ताकि जो बच्चे का जो सब्जेक्ट छुटा हुआ है वो कंप्लीट कर ले और चला जाए फिर यहाँ से, ठीक है। क्योंकि अब मान लो कोई बैच चल रहा था आपका जिसमें 100 बच्चे थे और उसमें बच्चे आ रहे हैं आपका 10, और इस समय इंफ्रा भी कम हो जाएगा हमारा, क्योंकि कुछ लैंडलॉर्ड थे आपका जो रेंट ले रहे थे आपका। अब भाई साहब बिना इनकम के रेंट तो हम दे नहीं पाएंगे, तो अब क्या हुआ आपका जो सिक्योरिटी वगैरह थी हमारी वो उन्होंने रख ली, और हमारे पास हॉल नंबर ऑफ हॉल्स जो 7-8 हॉल थे वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे भी कम आएंगे अभी अभी शुरू शुरू में बच्चे भी कम आएंगे आपका, क्योंकि आपको पता है डर तो बना ही रहता है, तो बच्चे कम आएंगे सब कुछ। इसलिए हमने एक बैच चला रहे हैं आपका ऑनलाइन बैच, तो जो बच्चे हमारे ओल्ड बैच के हैं या जो रनिंग बैच के बच्चे थे आपका, तो वो कूपन कोड लेकर मुझसे वो उस बैच को ज्वाइन कर लें, ठीक है। और ये ऑफर है इस बैच में, केवल इसी बैच में ऑफर है, आगे ये ऑफर नहीं आएगा आपका। आपको अगले बैचों में आपको उतनी फीस देनी पड़ेगी जितना नया बच्चा दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। आपसे पूछेगा जो बूल है आपका, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा देश करता है, कौन सा करता है आपका, ऑस्ट्रेलिया। और आपसे पूछता है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में कौन सा स्टेट है आपका, राजस्थान। राजस्थान वाले खुश हो जाएंगे, इंडिया में कौन सा है आपका, राजस्थान। सबसे ज्यादा बूल का प्रोडक्शन कौन करता है आपका, राजस्थान। इंडिया में कौन सा है आपका, राजस्थान, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये, मैं बता रहा हूँ आपको, आज तक आपको भी कंफ्यूजन हुआ होगा कि जो सिल्क होता है आपका, सिल्क किससे प्रोड्यूस किया जाता है, किससे प्राप्त होता है आपका। सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है, या प्यूपा ऑफ सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है, कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है, लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है आपका, और ये आप सर्च करेंगे नेट वगैरह तो भी आपको पता नहीं चलता है। तो आप देखेंगे अब सिल्क फाइबर्स क्या है आपका, सिल्क फाइबर्स। पहला तो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं आपसे कि सिल्क फाइबर किसके बने होते हैं आपका, किस नेचर के होते हैं। तो प्रोटीन नेचर के होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो बच्चे हैं अभी जिनको पता नहीं प्रोटीन क्या होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे, हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड में मैंने आपको डिटेल में बताया था आपका, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, फैट क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो आप चैप्टर 1 और 2 को देखें तो फिर 3 भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो ज़्यादा लेना देना नहीं है पहले दूसरे चैप्टर से 3 का, लेकिन फिर भी आप उसको भी देखें एक बार। तो ये किसका बना होता है आपका, प्रोटीन का बना होता है। सिल्क फाइबर किसके बने होते हैं आपका, प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरी खास बात क्या है आपका सिल्क फाइबर की, दूसरी खास बात क्या है आपका सिल्क फाइबर, दूसरी खास बात क्या है इसका, कि ये किससे प्राप्त होता है आपका, किससे प्राप्त होता है आपका। तो आप याद रखेंगे सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म के किससे प्राप्त होता है आपका, कोकून। जो इसकी लाइफ साइकिल होती है, सिल्क वॉर्म की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें एक स्टेज आती है कोकून, कोकून से प्राप्त होता है आपका। और आपको पता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है इसका, आपका प्रोडक्शन भी और क्या होगा सप्लायर भी, कौन है आपका, चाइना। और चाइना के बाद कौन है आपका, इंडिया। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, और सेकेंड नंबर पे कौन है आपका, इंडिया। और कौन सा स्टेट है आपका भारत का, कर्नाटका। कर्नाटका क्या है आपका, इंडिया में सबसे ज्यादा क्या करता है आपका, सिल्क का प्रोडक्शन करता है, सिल्क का प्रोडक्शन करता है, रॉ मटेरियल तैयार करता है, कौन आपका, कर्नाटका। और आप हमेशा याद रखेंगे, आप हमेशा याद रखेंगे कि जो सिल्क होता है आपका, सिल्क फाइबर होता है, इसका जो स्टडी होती है, इसकी जो रेयरिंग होती है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रेशम के कीट का जो पालन होता है उसको होते हैं सेरीकल्चर। क्या होते हैं आपका, सेरीकल्चर। पूछा जाता है आपका सेरीकल्चर क्या होता है आपका सर, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। क्या होगा आपका, रेशम, रेशम कीट पालन।
क्या कहलाता है आपका, सेरी कल्चर। तो आप याद रखेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें मैंने बता रखा आपको कि किस किस स्टडी को क्या बोलते हैं आपका, ठीक है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या एसएससी की और जो अभी सिक्स क्लास में है, वो इतना याद रखेंगे, मोर देन सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। एक बार आप देख लो जो सिल्क होता है आपका, सिल्क वॉर्म जो होता है आपका, उसको देख लो आप एक बार, ठीक है। इतना हो गया, ये सब आपको याद रखना है, ये सब आपको याद रखना है। तो आप देख रहे हैं जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे अब, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, कोई इसमें समस्या आने की बात नहीं है। आप जानते हैं सर ये क्या है आपका, एडल्ट मॉथ, या क्या बोलते हैं इसको, सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ, एडल्ट मॉथ, या क्या बोल देते हैं, सिल्क मॉथ, ठीक है। एडल्ट मॉथ या बोल देते हैं आपका सिल्क मॉथ। इसको दे रेशम कीट, क्या बोलते हैं इसको आपका, रेशम कीट। अब रेशम कीट क्या करेगा, एग लेइंग करेगा मलबेरी जो सहतूत होता है उसके पत्तों पर, ठीक है। ये क्या करेगा, एग्स आएंगे यहां पर, एग लेइंग करेगा। एग के बाद क्या बनेगा आपका सर, क्या बनेगा आपका, लार्वा, क्या बनेगा आपका सर, लार्वा, यहां पर लार्वा बनेगा। एक के बाद क्या बनता है आपका, लार्वा। देखो एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बहुत है, इसमें लार्वा स्टेज आती है। अगर लार्वा स्टेज नहीं आ रही, जैसे हम लोग हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा वगैरह कोई स्टेज नहीं आती है। तो ये आप पढ़ते हैं जब आप पढ़ेंगे कौन सा आपका, इलेवंथ क्लास में, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, तो वहां पर पढ़ेंगे आप बायोलॉजी में। तो एक डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जो लार्वा बनता है आपका, क्या बनेगा आपका, लार्वा, या इसको बोलते हैं आपका कैटरपिलर, या इसको बोलते हैं आपका लार्वा ऑफ किसका, आपका सिल्क वॉर्म, ठीक है। ये था आपका रेशम कीट, और ये क्या होगा, रेशम कीड़ा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जो लार्वा होगा, लार्वा से क्या बन जाता है आपका, प्यूपा, क्या बन जाता है आपका सर, प्यूपा, और प्यूपा के ऊपर क्या आता है आपका, कोकून आ जाता है, क्या आता है आपका, कोकून, ठीक है। ये क्या है आपका, प्यूपा, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आता है आपका, कोकून, यहां पर क्या है आपका, प्यूपा, प्यूपा के आगे क्या आ जाएगा, कोकून, और इसी कोकून से क्या प्राप्त किया जाता है आपका सर, सिल्क। और जब ये थोड़ा और इसमें मैच्योरेशन होगा तो क्या बन जाता है आपका, ये एडल्ट बन जाता है, क्या बन जाता है आपका, एडल्ट। तो आप देखिए सिल्क किससे प्राप्त किया जाता है आपका, कोकून स्टेज से प्राप्त किया जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन आपका कि लार्वा से प्राप्त होगा या कोकून से प्राप्त होगा, तो किससे प्राप्त होता है आपका, कोकून से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होगा आपका, कोकून से, ठीक है सर। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी मैं एक छोटी सी वीडियो डालूंगा आपका, उस वीडियो में ये समझाऊंगा फिर से, ठीक है। 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, वो आप देख लेना अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से और तो इसमें कुछ नहीं रहा, जो चैप्टर में था मैंने सब कुछ बता दिया आपको, सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिएगा, जो बेविंग होता है, जो बेविंग होगा और जो क्या होगा आपका, नीटिंग होगा, बेविंग और नीटिंग में अंतर क्या है आपका, ठीक है। बेविंग और नीटिंग में अंतर क्या होता है, आप जानते हैं जो नीटिंग होता है उसमें एक सिंगल यार्न लेते हैं आपका, टू मेक किसको बनाने के लिए, आपके फैब्रिक को बनाने के लिए। जैसे आप एक मोजा लेंगे और मोजे का एक धागा आप अगर निकालेंगे तो पूरा का पूरा क्या होता है, वो उधड़ जाता है, ठीक है। और जो वेविंग होता है आपका, वेविंग जो होता है, बुनाई जो होती है, उसमें क्या होगा आपका, उसमें अरेंज किया जाता है आपका, इसमें द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक। अगर दो या दो से ज्यादा यार्न तागा आप लेते हैं और फैब्रिक कपड़ा बनाते हैं तो उसको बोलते हैं वेविंग, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे जीवन में कोई दुख शुरू हो जाते हैं आपके जीवन में, आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है, तो आप जब उस परमपिता परमेश्वर पे अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाते हैं और आप पूरा विश्वास करते हैं, तो वो परमपिता परमेश्वर क्या करता है, आपके सारे दुख को दूर कर देता है, ठीक है, केवल एक सारे दुख को दूर कर देता है। और जब आप इधर उधर भागते हैं, कहीं उसको, तो 3-4 मिलकर आपके दुख को दूर करते हैं और कभी कभी वो इलाज भी जाता है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि एक परमपिता परमेश्वर के ही आराध्य बनो, ठीक है। अगर इधर उधर भटकोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही केवल एक टीचर को फॉलो करना चाहिए एक सब्जेक्ट में। जैसे आप फॉलो कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे फॉलो करिएगा, अच्छे से फॉलो करिएगा,
तो फिर क्या होगा, आपके सारे के सारे जो कष्ट होंगे वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। अभी एक थोड़ा सा 5-10 मिनट की वीडियो डालूंगा, किस पे, आपका सिल्क वॉर्म पे। ठीक है, ये काफी मतलब क्या होता है, आपका कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है जिसमें बच्चे समझ नहीं पाते चीजों को। ठीक है सर, जय हिंद, ख्याल रखेंगे अपना।